वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे, अगर आपके पास है सैमसंग A05S मोबाइल और आप उसमें फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हो तो कैसे फिंगरप्रिंट लॉक सेट करेंगे। तो फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कीजिएगा। सेटिंग्स में जाते हैं तो कुछ इस तरह से आपके मोबाइल में इंटरफेस शो हो जाएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉक स्क्रीन में जाना है। अब यहाँ से आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपने पहले से कोई भी स्क्रीन लॉक बनाया रहेगा तो वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर नहीं बनाया रहेगा आपको आपको पहले स्क्रीन लॉक सेट करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने पहले से बनाया था वो डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ फिंगर सेंसर, फिंगर को टच करके इस तरीके से आपको अपने मोबाइल में स्कैन करवा लेना है। जब तक दोस्तों आपको टच करना है तब तक ये दोस्तों आपका आइकन पूरा फुल नहीं हो जाएगा। तो चारों तरफ से आप लगा लेंगे अच्छे से, और जब दोस्तों आपके मोबाइल में सेट हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मोबाइल में ये सेट हो चुका है। अब यहाँ पे डन का ऑप्शन नीचे आ जाएगा तो डन पे क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल में सक्सेसफुली फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फिंगर से फिंगर को टच करता हूँ, हमारा मोबाइल अनलॉक हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल में आसान तरीके से फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर पाएंगे।